क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज कलवा 9 नंबर ब्लॉक कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से और कलवा ब्लॉक अध्यक्ष राजू शेट्टी जी उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में कलवा ब्लॉक में आज रोजगार मेलावे का कार्यक्रम हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में 45 साल बाद इतनी बड़ी बेरोजगारी, इस सरकार की, भाजपा सरकार की विफलता सामने आई, बड़े पैमाने पे युवा बेरोजगार हो गए हैं। युवाओं को रोजगार दिलाना ये सबसे बड़ा जो है पुण्य का काम होता है, क्योंकि एक युवक अगर रोजगार पे जाता है तो उसका पूरा परिवार उसके ऊपर पड़ता है। तो बहुत अच्छा काम यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से इन्होंने किया, रोजगार मेला वो लगा के। उसके साथ साथ आज डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव का प्रोग्राम भी कलवा ब्लॉक की तरफ से किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि कांग्रेस पार्टी ये भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, इसके नॉर्म्स है। हर साल बरसों बरस से इसी प्रकार मेंबरशिप ड्राइव की प्रक्रिया, जिसे हम सदस्य नोंदनी अभियान कहते हैं, उसके माध्यम से लोगों तक जुड़ते हैं। आज इस बार जो है CWC की बैठक में ये फैसला लिया गया कि सदस्य नोंदनी अभियान डिजिटल के माध्यम से की जाए, ताकि ये और सहज रूप से आसान हो जाए और लोगों से सीधा संपर्क नेताओं का कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल तक बना रहे। इसीलिए डिजिटल मेंबरशिप का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में आदरणीय नाना भाऊ पटोले साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में ये अभियान जोरों शोरों से शुरू है। कोकण जोन का मुझे एज अ कोऑर्डिनेटर जिम्मेदारी मिली है। तमाम थाना के अंदर हमने जो है काफ़ी चीफ एनरोलर्स दिए, उसके माध्यम से वो कांग्रेस की विचारधाराओं से लोग जुड़ेंगे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ और विशेषकर कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि इस मेंबरशिप अभियान ड्राइव के लिए बड़े स्टेज, बड़ा प्रोग्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तमाम जिला अध्यक्ष से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार नोटबंदी के वक्त, जिस प्रकार महंगाई के विरुद्ध और शेतकरी आंदोलन के विरुद्ध हमने हस्ताक्षर अभियान किए थे, चौक पे, नुक्कड़ पे, टेबल लगाकर, उसी प्रकार से घर घर कांग्रेस आपके द्वार, हमें लोगों के घर तक जाना है, विशेषकर महिलाओं से, क्योंकि जैसे कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है और जो हमारी प्रियंका जी गांधी जिन्होंने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो महिलाओं के लिए भी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, वो भी क्या नाम है उसके लिए सदस्य नोंदनी के लिए काम करेंगी, और भी अन्य दल है, सेवा दल है, शेखर पाटिल जी यहाँ आए हुए हैं, तमाम जितने भी हमारे फ्रंटल्स है, डिपार्ट्स है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है। ये सदस्य नोंदनी अभियान जोरों शुरू से शुरू करेगा और महात्मा गांधी जी के विचारों से, आदरणीय नेहरू जी के विचारों से, मौलाना आज़ाद जी के विचारों से, वल्लभ भाई पटेल के विचारों से और जितने भी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने कांग्रेस के माध्यम से ये देश को स्वतंत्र दिलाया, उनके विचार लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य नोंदनी अभियान इस बार कलवा से होगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।